नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में मेंस्ट्रुएशन टॉपिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज शंकु के बारे में। ठीक है दोस्त, तो ये नंबर जो रहेगा मेरा टाइप 9 रहेगा। ठीक है, इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स टाइप 1 से लेकर के 8 तक नहीं देखे हो, जाकर चैनल पर देखिए और सॉल्यूशन को खुद इंजॉय कीजिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने से ज़्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। इससे हुआ क्या कि हम लोग को मिलेगा मोटिवेशन चैनल पे और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर के तैयार रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो शंकु को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि शंकु किस टाइप का होता है, क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। 5 मिनट पहले बेसिक बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद पूरा एकदम शंकु का जितना भी है क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेगा। तो देखिए शंकु होता क्या है, स्ट्रक्चर पहले इसको समझ लेते हैं। शंकु होता आपका इस टाइप का, तंबू टाइप का, तंबू देखे होंगे आप लोग। ये होता है आइसक्रीम, आइसक्रीम खाए ना जी सब लोग। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम में क्या होता है कि कौन टाइप का रहता है उसमें, ये नीचे कैसा फेस होता है, ये होता है आपका सर्कल टाइप का। ठीक है, तो ये होता है मेरा हाइट, ये होता है मेरा रेडियस, ये होता है ओ, अगर सेंटर मानते हैं तो ओ ए बी। अच्छा, इसको बोलते हैं ए बी को बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं एल। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या है, स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट या इसको बोलेंगे हम लोग तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक कभी कभी तिरछी ऊंचाई भी दे देता है क्वेश्चन में, तो उसको हमको देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, बन रही शुरू से लेकर लास्ट तक और खुद समझ में आ जाएगा कि शंकु कितना आसान है। और क्वेश्चन आपका रेलवे में क्वेश्चन फिक्स है मेंस्ट्रुएशन से। ठीक है दोस्त, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। देखिए मुश्किल से 2-3 फार्मूला होता है। ठीक है, पहला होता है आपका आयतन, तो फार्मूला पहले नोट कर लीजिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, सेकंड फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का, इसका होता है आपका पाई आर इंटू एल होता है। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, तो ये होता है आपका पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, अगर तिरेक ऊंचाई यहाँ से निकालना है तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 4 फार्मूला है, इसी पर हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस इस पर नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई 240 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी आपका मेंस का आया हुआ सवाल है, पाई बराबर 22/7 लेना है। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं सवाल में। यह आपका त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, अभी हम लोग फॉर्मूला में क्या डिस्कस किए थे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, इसको डायरेक्ट याद कीजिए फॉर्मूला पाई आर इंटू, ये होता है क्या, आर प्लस एल। हम लोग का चैप्टर का क्या है, हम लोग का शंकु है। ठीक है, टाइप 9 में हम लोग को शंकु के बारे में पढ़ना है। तो सिंपल सा इसमें लगाइए फॉर्मूला, क्या क्या दिया हुआ, सिंपल फॉर्मूला बेस्ट पुटिंग क्वेश्चन है। अच्छा, आर और एच दिया गया है। ठीक है, तो एल कैसे निकलेगा जी, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे फॉर्मूला कि एल बुरा क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू आपका 70 है, 70 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना दिया गया है 240, तो हो जाएगा मेरा कितना 240 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे भी मेरा देखिए इसमें हम लोग को तो पूरा निकालना नहीं है, ट्रिपलेट याद है, अगर 7, 24, 25 का होता है ट्रिपलेट, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं सब। तो सिंपल सा अगर 70 और 240 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा 250 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा तिरेक ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि 7, 24, 25 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो 1-1-0 यहाँ पे बैठा देना है। ठीक है, ये सब एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, अगर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है पता तो हम लोग डायरेक्ट एल निकाल सकते हैं मन में। ठीक है, जिसको नहीं याद है फिर ऐसा निकालिए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिंपल सा पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू रेडियस कितना है 70 है, अभी क्या हो जाएगा 70 + 250। सिंपल से खाली सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, और क्या देखिए है इजी क्वेश्चन।
चलिए 250 + 70 कितना होता है, ये होता है आपका 320। अब इसको अगर 7 से काटते हैं 10 बार में तो कितना हो जाएगा 22 × 44। लास्ट में देखते हैं कुछ यूनिटरी से कुछ अगर बात बन जाता है तो बना लेंगे हम लोग। कितना जीरो है लास्ट में, 2 जीरो है, ठीक है। तो 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है, ये तो हम लोग को पूरा गुना करने का जरूरत है भी नहीं। और ऐसे भी सब में क्या है 704 है, तो पूरा हमको गुना करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्त। तो ये कैसे स्मार्ट अप्रोच लगाना है, ऑप्शन में हमको ध्यान में रखते रहना है कि क्या है यहाँ पे, मतलब 00 एक ही ऑप्शन में था तो फिर इसे गुना करने का कोई मतलब बनता नहीं है, गुना करके टाइम वेस्ट हम लोग क्यों करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है, अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोहित पब्लिकेशन का पूरा टाइप वाइज या चैप्टर वाइज हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है दोस्त। वो भी 80% से ऊपर सिलेबस हम लोग का कवर हो चुका है, 90% ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वी एनटीपीसी मेंस का सवाल है। किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 144 π² है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है अपना 346, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड कर देते हैं। दिया गया है आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, स्लैंट हाइट एल बराबर कितना दिया गया है, ये है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु में आधार कैसा होता है, देखिए शंकु में ये जो आधार होता है कैसा गोल टाइप का होता है, वृत्त टाइप का होता है, ठीक है। तो इसका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यह है आपका 144 π दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आयतन बता दीजिए, मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। तो सिंपल सा इसको देखिए कि यहाँ से हम पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 π² h, ठीक है, मतलब आर और एच हमको मालूम होना चाहिए तभी ना निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आपका आर निकल जाएगा, देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर का वैल्यू 144 है, तो आर बार कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर डायरेक्ट, ठीक है, आर निकल गया। एल और आर, तो एल क्या होता है मेरा स्लैंट हाइट होता है, ये वाला होता है आर, ये होता है एच, तभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए 13 यहाँ पे है, ये 12 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हाइट, हाइट जो मेरा हो जाएगा 5 × 12 = 13 का ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें एच बराबर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको 13 × 12 = 12 कर लीजिए, ठीक है। ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ट्रिपलेट नॉलेज रहेगा, ट्रिपलेट का नॉलेज रहेगा तो क्वेश्चन क्या होगा फटाफट उड़ाएंगे हम लोग, और नहीं है तो फिर हमको निकालने में टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो एच निकल गया, आर निकल गया, तो वॉल्यूम यहाँ से निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम जो होता है अपना क्या होता है 1/3 π² h होता है, तो 1/3, अच्छा पाई का वैल्यू कितना लेना है, चलिए पाई में ही आंसर दे रहा है, तो पाई में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है दोस्त। अच्छा आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 12, तो हो जाएगा मेरा 12² × हाइट कितना है 5 है, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और क्या देखिए 12² कितना होता है 144, तो ये हो जाएगा आपका 144 × 5, अब पाई बाई 3, इसको कट कीजिए 3 × 12 = 2, 3 × 8 = 24, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 40 = 0, 5 × 20 = 24, 240 π क्या हो जाएगा, अगर आयतन है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और अगर क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, तो आंसर जो हो गया मेरा कितना 240 π। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका मेंस का यह सवाल था, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है, कुछ करना है खाली आपको निकालना है, कभी आर दे देगा कभी एच दे देगा तो एल पूछ लेगा, ठीक है, कभी ये दोनों देगा तो इसको पूछ लेता है, इससे घुमाते रहेगा क्वेश्चन को। चलिए क्लियर है फटाफट, चलिए आगे बढ़ें दोस्त। चलिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें आपका शंकु बेस्ड सवाल। एक शंखवाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 m² है और इसकी ऊंचाई 48 m है, तो इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को 150 m/m² की दर से प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी। अच्छा एक शंखवाकार मकबरा है, तो शंखवाकार मकबरा है तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, देखिए अब हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार समझ में आ गया कि डायग्राम क्या होता है, कौन सा तिर्यक ऊंचाई है, कौन त्रिज्या है, कौन ऊंचाई है, तो फिर क्वेश्चन में बार बार डायग्राम बना के समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा आधार का क्षेत्रफल, तो सिंपल दिमाग लगाइए कि आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होगा गोल होता है शंकु में, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है 616 है, ठीक है जी। अच्छा इसका ऊंचाई कितना दिया गया है, ये है आपका 48 m,
और इसको प्लास्टर करवाना है कैसे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से, ठीक है, 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से करवाना है। तो सिंपल सा देखिए, हम लोग क्षेत्रफल में सर्कल में पढ़ चुके हैं कि अगर देखिए इसको कैसे स्मार्ट अप्रोच से इसको बनाते हैं क्वेश्चन को, इसको स्मार्ट अप्रोच से देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। हम लोग को पता है कि अगर रेडियस होता है, यह है मेरा एरिया, तो सर्कल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर रहता है तो एरिया कितना होता है वृत्त का, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे एरिया कितना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, तो ये एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है मेरा 616 है, तो ये कितना गुना है 616, इसका 4 गुना है, तो अगर क्षेत्रफल 4 गुना होता है तो त्रिज्या क्या होता है उसका स्क्वायर रूट गुना होता है, ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट हम यहाँ से 14 सेंटीमीटर यहाँ से हम रेडियस निकाल लिए यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए। अच्छा रेडियस निकल गया, हाइट निकल गया, तो क्या पूछ रहा है कर्व सर्फेस एरिया, तो जो कर्व सर्फेस एरिया जो फॉर्मूला होता है मेरा क्या होता है इसमें शंकु में, ये होता है आपका पाई इंटू आर इंटू एल होता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमको L नहीं पता है तो L निकालना पड़ेगा, R और H पता है तो L निकलेगा, कैसे निकलेगा L, देखिए L निकालने के लिए यहाँ पे मेरा दिया गया है, सपोज कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, L में कैसे निकलेगा, ये वाला होता है मेरा L होता है, ये होता है R, ये होता है H होता है, ठीक है। अगर ये 48 दिया हुआ है, चलिए हम समझाने के लिए इतना हम बना रहे हैं, ठीक है, अगर ये 14 दिया है तो L कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि अभी हम लोग को पढ़े थे ट्रिपलेट कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है जी, तो इसको अगर 2 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते तो 14 आ जाएगा, और 2 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 7, 24 और 25 का होता है ट्रिपलेट, और 2 में गुना करना था 2 में सब में गुना कर देंगे तो मेरा निकल गया डायरेक्ट एल का कितना आ गया 50 आ गया, बस यही करना था हमको। अच्छा एल का वैल्यू कितना आ गया हमको, अच्छा तो यहाँ से एल का वैल्यू कितना गया 50 आ गया, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। अच्छा रेडियस कितना निकला है 14, अच्छा स्लैंट हाइट कितना निकला है 50, तो ये कैसे बनाना है क्वेश्चन को, ये हो गया 7 × 14, ये हो जाएगा आपका 50 × 100, ये हो जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका प्लास्टर कराने का लागत कितना दिया गया है 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, अच्छा मीटर में है सब, ठीक है, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मीटर में है कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटर है, ये मीटर मीटर कर दीजिए। अच्छा इतना हमको एरिया में करवाना है प्लास्टर, इसका रेट दिया गया आपका 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का 150 लग रहा है तो 2200 का कितना लग जाएगा 2200 × 150 हो जाएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा गुना कीजिए इसको, ये हो जाएगा 15 × 30 = 0, 3 × 15 = 30 + 3 = 33, कितना 0, 1, 2, 3, 0, तो कितना हो जाएगा 3,30,000 रुपया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्त। चलिए क्लियर होगा सबको, मस्त तरीके से बताइए, सिंपल से यहाँ पे लगाना स्मार्ट अप्रोच, आपका एरिया अगर दिया हुआ तो रेडियस हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट निकल गया तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए ट्रिपलेट के हेल्प से, हम लोग को पता है कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से हम लोग का 50 निकल गया स्लैंट हाइट, और फिर फॉर्मूला पुटिंग करके इसका आंसर निकाल लिए। क्लियर सबको बताइए, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी भी दोस्त को, चलिए लग रहा है शंकु आसान, आसान लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है दोस्त, क्योंकि लाइक और शेयर क्या हम लोग के लिए मोटिवेशन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 348 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया मेरा होता है वो क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, ठीक है। अच्छा क्या क्या दिया गया है, रेडियस और हाइट दिया गया है, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। देखिए तो एल क्या हो जाएगा, एल क्या होता है मेरा स्लैंट हाइट होता है, तो ये होता है आपका 5 × 12 = 13 का होता है ट्रिपलेट, 5 × 12 = 13, तो डायरेक्ट हम लोग 13 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट का यूज हो रहा है इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का, तो अब सिंपल से फॉर्मूला पुट कीजिए और का इसमें,
तो पाई बराबर क्या करना है, 22/7 यूज करना है ना, नहीं पाई का पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया गया है। देखिए ऑप्शन को देखते हुए हम लोग काम करना है कि अगर पाई ऑप्शन में दिया गया है तो हम लोग को पाई का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कितना है, 5 है, तो जगह मेरा 5 पाई, ये हो जाएगा कितना, 5 + 13, तो ये हो जाएगा कितना, 13 × 5 = 18, 18 × 5 = 90 पाई, ठीक है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ओरल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एकदम सिंपल टाइप का, एकदम बोवा टाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका ओरल, बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंब वृत्त शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी तिरे की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, तो लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या निकालना है हमको, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है इसका, शंकु का बताइए, आंसर निकालिए आप लोग, ये होता है आपका पाई आर इंटू एल होता है। तो यहाँ दिया हुआ है व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा और क्या दिया गया, तिरे की ऊंचाई, एल कितना है आपका 10.5 सेंटीमीटर, ठीक, तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज़, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे, इसको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें पाई बराबर लेना है कितना, 22/7, तो हो जाएगा मेरा कितना 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10 और सिलेंट हाइट कितना 10.5। अब यहाँ से इसको काटते हैं कितना बार में, 15 बार में चल जाएगा, तो हो जाएगा 15 × 30 = 0, 3 × 15 = 30 + 3 = 33, 10 बैठाएंगे, 1 अंक पॉइंट बैठेगा तो कितना आ जाएगा 330 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया कौन सी में होता है, स्क्वायर में होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, आपका मेंस का सवाल था, ठीक है दोस्त। चलिए शंकु क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा आप लोग। मीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के एक बेलन को पिघला करके 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए, तो कितने शंकु बनाए गए, ठीक है, तो पिघलाने वाला क्वेश्चन है ये कि बेलन को पिघला कर क्या बनाया गया है, शंकु। तो जब भी पिघलाने का सवाल हो तो कुछ नहीं करना, उसको क्या करना, आयतन खाली हमको बराबर कर देना है, ठीक है, जो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन का बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इससे पिघला कर कितना बनाया गया है, n शंकु बनाया है। मान लेते हैं कि अभी शंकु की संख्या नहीं निकाल पता है, तो मान लेते हैं कि n वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। अब शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे, ये होता है आपका n इंटू 1/3 पाई। अच्छा रेडियस कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर। अच्छा 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 1/10 इंटू हाइट कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, देखिए पाई पाई कट गया दोनों। अच्छा इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 5। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए, इसको आंसर निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1/3। अच्छा 1/10 का स्क्वायर कितना होता है, 1/100 × 1, तो यहाँ सिंपल सा हम लोग 3 स्क्वायर। अब एन वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, 9 × 9 = 27, 27 × 5 कितना हो जाएगा 135 में कितना 0 13,500 कितना बनेगा, इतना आपका शंकु बन जाएगा। अगर बेलन को पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13,500 मेरा शंकु बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा सबको मस्त तरीके से, चलिए किसी भी भैया कोई परेशानी है बताइए, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत, यहाँ तक शंकु में हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं अभी तक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छिन्नक का, बाल्टी वाला, कि एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा छिन्नक होता है बाल्टी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, बाल्टी टाइप का होता है,
इसमें एक होता है ऐसे ऊपर में गोल टाइप का, एक होता है नीचे में इस तरह का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं छिन्नक। ये होता है स्मॉल आर, ये होता है आपका कैपिटल आर, ठीक। और ये जो बनता है मेरा स्लैंट हाइट यहाँ से, तो ये देखिए अगर एच है, ठीक, तो ये भी हो जाएगा आपका एच। अगर यहाँ से यहाँ अगर कैपिटल आर है, में ये आर है तो भी स्मॉल आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर माइनस, ये आर है तो क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे ओ है, ये है ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो अगर टोटल यहाँ से यहाँ कैपिटल आर है तो ई वाला स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये जो ई जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो स्लैंट हाइट जो होता है मेरा ये वाला होता है, ठीक है दोस्त। तो ये जो बनेगा मेरा क्या बनेगा, बाल्टी में होता है एल बराबर, ये होता है आपका एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको कर लेना है याद, ठीक है। बाल्टी का ये होता है छिन्नक, इसको बोलते हैं हम लोग छिन्नक या बाल्टी, कुछ बोलिए, फ्रस्टम इसको बोलते हैं, फ्रस्टम, ठीक है। इसको बोला जाता है हिंदी में छिन्नक, छिन्नक या बाल्टी। इतना सवाल इस पर नहीं आया है, जो भी क्वेश्चन है हम लोग देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग बनेगा सवाल, क्या क्या दिया गया है इसमें, जो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है, 9 और 3 है, मतलब कैपिटल आर जो मेरा दिया गया है 9, तो इसमें डायरेक्ट निकालिए एल बराबर क्या होता है। अच्छा एच कितना दिया गया है, एच जो है आपका 8 है, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 में 3 जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, तो ये हो जाएगा आपका 100, और 100 का वर्गमूल कितना, तो ये हो जाएगा मेरा जो तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में, क्या हो जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। चलो फिर से 52 नंबर सवाल है कि एक शंकु की त्रिज्या r/4 है, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई 4l है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है आपका पाई आर इंटू क्या होता है, आर प्लस एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमको दिया गया त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या है आपका आर बटा फोर, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा मेरा आर बाई फोर प्लस त्रिज्या ऊंचाई कितना है, 4l है। अब इसको हमको सॉल्व करके ऑप्शन निकालना है, इसको देखिए, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो मेरा हो जाएगा, अच्छा इसमें से अगर पाई आर, ऑप्शन क्या दिया गया है इसके हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। अच्छा आर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1/4 से, तो ये हो जाएगा मेरा कितना आर बटा हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना, आर से आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा एल। तो ऑप्शन जो मेरा हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर बटा 16, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, देखिए आर में यही आया हुआ सवाल है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र कोण 120 डिग्री वाले एक वृत्तखंड को मोड़ करके शंकु के रूप में बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब क्या बता रहा है कि त्रिज्यखंड को मोड़ करके एक हम लोग शंकु बना रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। 354 नंबर, जैसे एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड इस टाइप का होता है आपका ऐसे, ये वाला, ये दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, ठीक, और त्रिज्या कितना है आपका 21 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करके एक मोड़ करके बनाया गया शंकु, इसको काटने के बाद बनाया गया, इसको शंकु बनाया गया। शंकु कैसे बनता है, शंकु बनेगा आपका इस टाइप का, ठीक है, इस तरह का शंकु बनाया गया एक काट करके, ठीक है। वृत्तखंड काटने के बाद इसको मोड़ करके इस तरह से बनाया गया है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो पोर्शन है मेरा, इसी को मोड़ कर क्या बनेगा, ये नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा। तो सिंपल सा जो होता है ये चाप की लंबाई होता है, ठीक है। तो जो चाप की लंबाई मेरा होता है फॉर्मूला, ये होता है जो चाप की लंबाई या इसको बोलते हैं हम लोग एल, ठीक है। तो चाप की लंबाई क्या होता है आपका थीटा बटा 360 इंटू 2πr होता है, ठीक है। इसको एल उससे मत अथी कर दीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, एल आपका त्रिज्या ऊंचाई से, क्योंकि चाप की लंबाई भी एल ही होता है और वो भी एल होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इसका बात कर रहे हैं, ये वाला चाप की लंबाई ओ ए, अगर बी है तो क्या है मेरा कर्व सर्वेस एरिया ओ ए बी,
ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना है मेरा 120 बटा 360 इंटू 2। अच्छा पाई का वैल्यू क्या होता है 22 बटा 7 होता है। रेडियस कितना है मेरा 21 सेंटीमीटर है, तो इसको काट छाट में जाइए, इसको तीन बार में चला गया, 7 से 3 बार में, 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर में मेरा क्या आ गया चाप की लंबाई आ गया। अब यही चाप की लंबाई क्या होगा, अगर उसको अगर मोड़ के हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, शंकु इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको विजुअलाइजेशन में तो आप एक पेपर काट करके गोल सा इसको बना लीजिएगा घर पे। ठीक है, तो शंकु टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ से अगर 44 क्या होता है, ये वृत्त का परिधि टाइप का आ गया। ठीक है, अगर परिधि 44 होता है तो रेडियस कितना होता है मेरा, ये होता है सिंपल सा 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये हो गया सारा कुछ, हम लोग क्या कर रहे हैं फिर कॉस्ट करवा रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, वो भी यूथ पब्लिकेशन का पूरा कंप्लीट डिस्कशन, वो भी स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी आरआरबी जेई का सवाल है। दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है, ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, तो उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए इसको, आंसर आप लोग निकालिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट दीजिएगा। अच्छा दो शंकु है, तो शंकु का मानते हैं कि V1 और V2 है, तो इसका क्या होता है आपका, ये होता है 1/3। चलिए अगर प्रैक्टिस हो जाए तो हमको सब लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझाना तो अभी हम लिख दे रहे हैं 1/3 पाई, ये क्या होता है R2² × H2 होता है, तो ये कट गया मेरा। अच्छा आयतन का अनुपात कितना कितना दिया है, 1/10 दिया गया है। अच्छा R1/R2 कितना निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा मेरा R1/R2² अच्छा हाइट का रेशियो कितना दिया गया है, 2:5 है, तो 2/5 हो गया। अब यहाँ से हमको सिंप्लीफाई करके निकालना है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 5×10 काट दे इसको यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरा R1/R2 का जो होल स्क्वायर होगा, यहाँ से क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/4 हो गया, तो 1/4 में क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अगर पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये नहीं पूछ रहा था, तो रेडियस का जो अनुपात है कितना हो जाएगा 1:2, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है सबको, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, चलिए इजी क्वेश्चन था। चलिए और बढ़ते हैं हम आगे, क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट सवाल उसको देख लेते हैं। इस बात कोई भी शंकु का सवाल आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। एक शंकु के आयतन और एक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। यदि H और R शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या को निरूपित करते हैं तो 1/H² + 1/R² का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आरआरबी जेई का हुआ सवाल है। ठीक है, शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 1/3π r² h, ये जो है शंकु के वक्रपीठ का क्षेत्रफल के बराबर है, तो वक्रपीठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका π r × l होता है, सिंपल सा। अब यहाँ से हम लोग को ठीक है, तो कट कुछ रहा है कुछ, पाई पाई कट गया, आर से आर कट गया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा R h/3 बराबर। अच्छा l बराबर क्या होता है फॉर्मूला शंकु में, ये होता है आपका H² + R² होता है। ठीक है जी, चलिए क्लियर है यहाँ तक सबको। अच्छा हमको क्या निकालना है वैल्यू, आपका निकालना है 1/H² + 1/R² का मान निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा इसको नीचे ले आइए। ठीक है, अगर इसको नीचे ले आते हैं तो RH/ ये क्या हो जाएगा H² + R² बराबर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ चल जाएगा। ठीक है, अब कर देते हैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इसको। ठीक है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा R²H² / अच्छा इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, H² + R² हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उल्टा करेंगे तो इसको हमको इस तरह से फॉर्मेट में लाना है, तो उल्टा करना पड़ेगा, या हम लोग यहाँ भी उल्टा कर सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, R²H² वैल्यू कितना 1/9 हो जाएगा। ऐसा करना है अलग अलग, अगर अलग अलग करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, इसको अलग अलग करते हैं तो H² ये हो जाएगा R²H² + ये हो जाएगा आपका R² ये हो जाएगा R²H² बराबर 1/9। देखिए H² से H² कट गया, R² से R² कट गया, तो कितना आ गया आंसर 1/R² + 1/H² कितना आ गया 1/9, मेरा क्या हो गया ऑप्शन आंसर आ गया।
तो जो मेरा आंसर जो हो गया वो कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, आरआरबी जेई का हुआ सवाल था, ठीक है। रिपीट होने का चांस बनता है इस सब क्वेश्चन को फिर से, और बहुत बार रिपीट हो भी चुका है क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, यहाँ से फॉर्मूला लगाना है और स्क्वायर करके इसको खाली उल्टा कर देना है यहाँ से। चलिए क्लियर है जी सबको, बताइए। व्यास और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर और 5.6 सेंटीमीटर सॉरी 16 मीटर और 5.6 मीटर है। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ग्रुप डी का यह सवाल है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। अच्छा, एक शंकु आकार क्या है? अच्छा, दिया गया आपका इस तरह से, एक शंकुआकार है, इसमें दिया गया व्यास, अगर व्यास 16 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तिरछी ऊंचाई कितना दिया गया है? यह है आपका 5.6 मीटर। तो बोल रहा है कि कितना कपड़ा का जरूरत पड़ेगा इसको तंबू बनाने के लिए अगर चौड़ाई 4 मीटर है तो, ठीक है। तो जो तंबू कब लगता है, ये आपका लगेगा इसमें कर्व सरफेस एरिया में। तो जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका शंकु का, ये होता है आपका पाई आर एल होता है। अच्छा, पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7। तो लीजिए आपका 22/7 हो जाएगा इंटू रेडियस कितना है 8 है, तिरछी ऊंचाई कितना है 5.6, इसको काट छाट कीजिए इसको, तो हो जाएगा 8 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 64, तो 22 इंटू 6.4 तो बच्चों का 88 की 8 और 132 और 8 140 होता है, तो कितना आ जाएगा 140.8 आएगा मीटर स्क्वायर। इसका निकल गया हमको कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, तो जो कर्व सरफेस एरिया है इसमें चौड़ाई दिया हुआ है तो कितना कपड़ा की आवश्यकता होगा, ये ना पूछ रहा है। तो जो कपड़ा जो लगता है मेरा, देखिए पूरा इसमें लगेगा, तो जो लंबाई लगेगा कपड़ा का ये होता है आपका वक्र पिच का क्षेत्रफल में, अगर चौड़ाई से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, 20 इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140.8 में अगर चौड़ाई कितना दिया गया है 4 मीटर, ठीक है। तो काटिए इसमें 4 × 12 2 × 4 = 20 कितना आ जाएगा 35.2 मीटर। मेरा क्या हो जाएगा, ये तंबू बनाने के लिए हमको कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि तंबू कहाँ पे लगेगा, देखिए जब भी तंबू लगेगा तो इस साइड में लगेगा ऐसे, ठीक। तो एरिया में अगर चौड़ाई से अगर डिवाइड करते हैं तो वही मेरा लग जाएगा कितना लंबा कितना चौड़ा लगेगा कपड़ा, क्योंकि कपड़ा क्या होगा आयताकार होता है, तो जो कपड़ा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, वही ना मेरा कपड़ा होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सो चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जितना भी शंकु में क्वेश्चन बन रहा था आपका रेलवे से रिलेटेड सवाल, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि सभी को पिक कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में सीखने को कुछ भी मिल रहा है या कुछ भी आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और चैनल पर काम करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कोई पैसा लग नहीं रहा है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।